औरतों के लिए कुछ अच्छे विचार। अगर तुम पति के साथ खुश रहना चाहती हो तो दूसरों की बातों पर ध्यान ना दो। अपने आप को अपने पति की गर्लफ्रेंड कभी ना समझो। अगर आप ऐसा करती हैं, यानी कि आप अपने आप को ही कमतर समझ रही हैं। और अगर तुम अपने विवाहित जीवन में खुश रहना चाहती हो तो अपने पति की तुलना दूसरों से ना करो। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा पति हमेशा तुमसे प्रेम करता रहे तो अपने आप को हमेशा साफ सुथरा और पति के लिए सच सवर कर रहा करो। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी जिंदगी अच्छी गुजरे तो गरीबों की मदद दान पुण्य करती रहो। पत्नी का एक मीठा बोल पति की दिन भर की थकावट को दूर कर देता है। मर्द जाहिर ना करे तो ये ना समझो कि वो आपसे प्यार नहीं करता। किसी किसी मर्द की फितरत में प्यार जताना नहीं होता। एक अकलमंद औरत वो होती है कि अगर उससे कोई गलती हो जाए और उसकी वजह से उसका पति गुस्से में हो तो तुरंत माफी मांगकर पति के गुस्से को शांत करती है। अपने पति की आर्थिक स्थिति को समझो। उसकी हैसियत से ज्यादा की मांग ना करो या खर्च ना करो। पति की अनुमति के बिना उसका पैसा किसी और को ना दो या पति की अनुमति के बिना किसी गैर को अपने घर में आने ना दो। आपका पति आपके लिए दिन रात मेहनत करता है ताकि आप और बच्चे खुश रह सके और आपकी ज़रूरतें पूरी हो सके। पति को हमेशा आदर सम्मान दे, वो आदर सम्मान का हकदार होता है। पति से बिना मतलब का झगड़ा ना करें या बिना मतलब का उस पर शक ना करें। मर्द वही शख्स होता है जब उसकी पत्नी की इज्जत पर आ जाए तो अपनी जान की बाजी लगाने से पीछे नहीं हटता। समझदार औरत अपने ससुराल की बातें मायके में नहीं करती और मायके की बातें ससुराल में नहीं करती। जुबान दराज औरत अपनी गृहस्थी बर्बाद कर देती है। जो पत्नी अपने पति को बात बात पर ताना मारती है वो अपनी इज्जत अपने पति के नज़रों में कम कर देती है और उसके लिए उसके पति का प्यार भी कम हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में बताएं। अपना और अपने बड़ों का ख्याल रखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।